पंजाब में बढ़ रही आपराधिक वारदातों को लेकर डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने चिंता जाहिर की। उन्होंने गैंग वॉर की वारदातों पर काबू पाने के लिए पकोका कानून की जरूरत पर जोर दिया। डीजीपी ने कहा कि नई सरकार आने पर इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। नाभा जेल ब्रेक कांड और सोशल मीडिया के जरिए अपराध करने के बाद खुलेआम एक दूसरे को धमकी देते गैंग, ये तस्वीरें पंजाब पुलिस को चुनौती दे रही हैं कि आखिर किस तरह से गैंग पंजाब में बेखौफ घूम रहे हैं और पंजाब पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही। चुनाव के दौरान विरोधियों ने इसको मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला भी किया था, पर डीजीपी पंजाब महाराष्ट्र की तर्ज पर मकोका की तर्ज पर पकोका कानून की मांग कर रहे हैं। डीजीपी के मुताबिक नई सरकार आने पर इस पर बातचीत की जाएगी। बड़े गैंगस्टर से मुतलक टाइम टू टाइम पंजाब पुलिस कार्रवाई कर दे रही है। उस टाइम पकोका दा कानून बनाने वास्ते भी किया सी। आई एम श्योर कि भाई 11 मार्च तो बाद उधर बारे भी सोचा जाएगा। उधर 3 महीने बीत जाने के बावजूद नाभा जेल ब्रेक कांड से फरार 3 आरोपी अभी भी जेल से बाहर हैं। इस पर डीजीपी पंजाब का कहना है कि पुलिस ने काफी हद तक नाभा जेल ब्रेक कांड से जुड़े आरोपियों को पकड़ दिया है और फरार आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे। जो थोड़ा पता है कि नाभा जेल वाला होया सीगा उधर विच पंजाब पुलिस दे रही कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सो ये एक जड़ी लड़ाई है कि यह मतलब ऑनगोइंग लड़ाई है सोसाइटी दी जड़ क्राइम हुंदा। चुनावों में गैंगवार का मुद्दा पंजाब की सियासत को गरमा चुका है। डीजीपी पंजाब के मुताबिक पकोका कानून के जरिए गैंगस्टर्स पर काबू पाया जा सकता है। अकाली दल और बीजेपी गठजोड़ की सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान इस पर विचार भी किया था, पर आपसी सहमति नहीं बन सकने की वजह से इसको कानूनी माहिरों की सलाह के लिए भेज दिया गया था। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़।